स्टूडेंट्स और यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स, आज बेटा आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स की कॉम्प्लेक्स नंबर की असाइनमेंट है जो करवा रहा हूं मैं। आईसीएसई बोर्ड के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस वन का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेशली बेस्ड ऑन आईसीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है आपका, उसी बोर्ड के लिए ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो इसके पहला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है ये, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो हम आयोटा का स्क्वायर रूट देख रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल, इजीली। आयोटा के आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट है वन, इसमें रियल पार्ट कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें केवल केवल इमेजिनरी पार्ट दे रखा आपको, रियल पार्ट की बात ही नहीं की हुई। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आयोटा मीन वन आयोटा, क्लियर। कॉफिशियंट ऑफ जो आयोटा है वो वन है, रियल पार्ट है नहीं, तो वो जीरो के बराबर है। इसका क्या कह रहा है आपको, स्केयर रूट, और हमने पता क्या करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। तो इसको बेटा ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम स्केयर करें तो क्या मिल जाएगा आपको, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस वन आयोटा उसका स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्केयर। स्केयर से रूट कट गया, यहां पे रहेगा जीरो प्लस वन आयोटा इक्वल्स टू यहां पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी साथ में आपका आयोटा। अब देखो भाई आयोटा स्केयर, इसकी वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये रह गया आपका जीरो प्लस वन आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन प्लस टू एक्स वाई साथ में आयोटा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को लो भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है इसमें, जीरो, उधर रियल पार्ट कौन है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू जीरो नंबर वन, और यहां पे टू एक्स वाई, और इधर क्या है वन, क्योंकि आयोटा तो दोनों तरफ लोगे भी तब भी बेटा यहां पे कट जाएगा आयोटा। अब इसका स्केयर दोबारा करवा दो आप, तो क्या हो जाएगा इसका स्केयर, सिंपल सी बात है, इसका स्केयर हो जाएगा भाई फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल्स टू वन। तो मैंने क्या किया, इसको दोबारा स्केयर करवा दिया, स्केयर बोथ साइड्स कर दिया, सिंपल। अब एक फॉर्मूला याद रखो, बस सिंपल है क्या है फॉर्मूला, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब इसमें आप वो वैल्यूज डाउनलोड करनी शुरू कर दो, डालनी शुरू कर दो, यहां पे हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आई थी भाई, नंबर वन के हिसाब से जीरो, जीरो का स्केयर हो गया भाई, इसकी वैल्यू आई थी भाई वन, और ये वैल्यू यहां पे वन आ गई, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल्स टू वन होल स्केयर। अब स्केयर हटाओगे तो भाई उधर जाके आपका अंडर रूट ऑफ वन जो वन ही होता है, इट मीन्स मैंने वैल्यू निकाल ली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वाई स्केयर इक्वल्स टू बेटा वन, एक वैल्यू नंबर वन पे थी हमारी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू जीरो, ये थी बाय वन जो हमने वैल्यू निकाली, इसको नंबर टू मान लेते हैं हम। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देख भाई। अब देखो इसको कुछ नहीं करना आपको, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। अब एक बार इनको एड करवा लो, एड कराओगे वाई स्केयर से वाई स्केयर कट गया, तो क्या आ गया भाई टू एक्स स्केयर इक्वल्स टू वन, और एक्स स्केयर इक्वल्स टू वन बाय टू, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन बाय रूट टू, क्लियर। अब फिर दोबारा यही क्वेश्चन उठा लो, फिर दोनों एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू वन, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू जीरो। अब भाई सब्ट्रैक्ट करा दो, जब हमें पता है सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहां पे एक्स स्केयर कट गया, टू वाई स्केयर इक्वल्स टू वन आ गया भाई, तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय टू, वाई की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय रूट टू। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल।
अब देखो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इकट्ठा कर रहा हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा यहां पे। अब कंप्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, x प्लस आइटा वाई, इसमें वैल्यू सॉल्व कर दो। x की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 बाय रूट टू, प्लस माइनस बाहर है, आयोटा 1 बाय रूट टू, तो सेम ही वैल्यूज आ रही है ना, दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन यहां पे आयोटा आया हुआ है, तो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था भाई, सिंपल इजिएस्ट क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर है आपका डी पार्ट, इसमें आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, पीटी को भाई मैं प्रूव दैट लिख रहा हूं, पीटी उषा नहीं समझना। 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा, मल्टीप्लाई करवाना बेटा, 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा, इसका इज प्योरली रियल, सिर्फ रियल पार्ट बताना है मुझे और कुछ नहीं बताना। तो रियल पार्ट का क्या है भाई, जिसमें आयोटा ना हो, ऐसी रकम ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें आपका रियल पार्ट नहीं आना चाहिए। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे ना जब इसको, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला भाई नीचे मल्टीप्लाई। देखो इसको कैसे लिख रहे हैं हम, 2 प्लस 3 आइटा, बहुत आसान, 2 माइनस 3 आइटा, कोई रैशनलाइज नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना। उसके बाद 3 प्लस 4 आइटा, नीचे 3 माइनस 4 आइटा। देखो भाई अब थोड़ा सा जादू हो रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं हम, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, बीच में माइनस है और प्लस है, सिमिलर नीचे ए बी और ए बी, समझ में आया कुछ, क्या बन रहा है, ऊपर बन जाएगा आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर, नीचे ही बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। देखो दोनों तरफ फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला, 2 का स्केयर माइनस 3 आइटा का स्केयर अपॉन नीचे भाई 3 का स्केयर माइनस 4 आइटा का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4, 3 3 जा 9 आइटा स्केयर, जो माइनस 1 होगा बाद में इसकी वैल्यू डाल लेंगे हम, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 फिर आइटा स्केयर, यहां पे सिंपल। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आइटा स्केयर इज माइनस 1, नीचे 9 माइनस 16 और आइटा स्केयर इज फिर माइनस 1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई आपका, ऊपर कर रहा हूं मैं, 4 प्लस 9 और 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 25 हो गया और 9 प्लस 4 13 हो गया। देखो प्योरली रियल नंबर आ गया, इसमें आयोटा वाली कोई भी टर्म नहीं है, मींस इमेजिनरी पार्ट नहीं है, क्लियर। डन जी, नेक्स्ट देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक टेंथ क्वेश्चन है डला हुआ, ए प्लस आइटा बी इक्वल्स टू सी प्लस आइटा अपॉन सी माइनस आइटा, और प्रूफ करके खाना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू 1, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लो, वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लो और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। एक शॉर्टकट तरीका है, हमने कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, गला खराब है भाई, आवाज थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक आ रही है। अब एक्स प्लस आइटा वाई अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ऐसे होता है भाई, ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस आइटा वाई, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। अगर मान लो एग्जांपल लो कि जेड दे रहा हुआ है माइनस 2 प्लस 3 आइटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होएगा भाई, बोलो, 2 माइनस 3, गलत, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस 2 वैसा का वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है और किसी का नहीं करना। यानी अगर जेड में कॉम्प्लेक्स नंबर लूं 3 माइनस 2 आइटा, तो आप क्या लोगे,
थ्री प्लस टू आईटा, यहां पर अगर माइनस आ गया तो यहां पर भी माइनस लगा दो, सिर्फ साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, आयटा का माइनस आयटा कर दो, माइनस आयटा का प्लस आयटा कर दो। ये रूल याद रखो, इससे एक मिनट में ये क्वेश्चन खत्म कर दूंगा मैं। तो ये नंबर वन मान लो भाई, अब ए माइनस आयटा भी कॉन्जुगेट ले रहा हूं मैं दोनों तरफ, लो जी नंबर टू मान लो, क्लियर। सिर्फ मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया और कुछ नहीं किया। अब जब कॉन्जुगेट लिया है तो क्या करेंगे हम, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई वन एंड टू, वन और टू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमें क्या मिलेगा देखो, ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी, इधर उधर सी प्लस आइटा सी माइनस आइटा इन टू सी माइनस आइटा, नीचे माइनस था तो प्लस हो गया, तो सी प्लस आइटा हो गया, क्लियर। अब ये देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन गया, क्या है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और इधर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया वन, आयटा स्केयर इज माइनस वन, ए स्केयर माइनस वन और बी स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू वन, यही जो आपने प्रूफ करना था हो गया। सिंपल कंजुगेट लेके करो, रैशनलाइजेशन से इसको करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर भी है भाई, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लिख लो भाई फिर नेक्स्ट करवाऊं। डन, चलो जी क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आयटा की पावर फोर एन प्लस वन, आयटा की पावर फोर एन माइनस वन अपॉन टू। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी, इजीली निकल जाएगा ये भी। देखो जी क्या करना है, सॉल्यूशन आयटा की पावर फोर इंटू आयटा की पावर वन, लिख सकता हूं उसको मैं ऐसे, क्यों लिखूंगा ये मैं आपसे पूछूंगा भाई, इंटू आयटा की पावर माइनस वन अपॉन टू, कोई दिक्कत, बेस सेम पावर्स ऐड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर मल्टीप्लाई हो तो एक्स की पावर फाइव बना देते हैं, फाइव मीन्स टू प्लस थ्री, यानी पावर्स जुड़ रही हैं हमारे पास, बेस से पावर्स ऐड हो रही हैं, क्लियर। अब आयटा का पावर एन जो फोर है उसको टू का स्केयर इंटू एन बना सकते हैं, टू टू का फोर है, इधर भी बेटा इंटू आयटा रह गया, माइनस इसको भी ऐसे लिखो आयटा स्केयर इंटू टू एन इंटू आयटा की पावर माइनस वन रह गया अपॉन टू, ठीक है जी। आयटा स्केयर इज माइनस वन, माइनस वन इसका भी माइनस वन, लेकिन माइनस वन की पावर क्या है, 2n इंटू आइटा, माइनस आइटा स्केयर इज माइनस वन, माइनस वन की पावर क्या है 2n इंटू आइटा की पावर माइनस वन अपॉन 2। पावर इवन है, इवन नेगेटिव खा देगा तो 1 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो केवल क्या रह गया हमारे पास आइटा रह गया। सिमिलरली इधर माइनस ये क्या गया आइटा की पावर माइनस वन रह गया, बस माइनस वन, ये तो वन ही बन गया भाई, ये भी वन बन गया, तो यहां पे केवल आयटा रह गया, इधर आयटा की पावर माइनस वन रह गया अपॉन टू, बस ये रह गया। इसको देखो आयटा माइनस वन अपॉन आयटा हो गया ये अपॉन टू, अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा आयटा स्केयर माइनस वन अपॉन, ये इसके साथ ही लग जाएगा टू आयटा, आयटा स्केयर फिर क्या हो गया माइनस वन, तो भाई माइनस वन और माइनस वन अपॉन टू आइटा, माइनस टू अपॉन टू आइटा, टू से टू फिर कट गया, क्या बचा क्या बचता है जी, माइनस वन अपॉन आइटा, क्योंकि ये नीचे है भाई, आइटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, उसको रैशनलाइज करवाना ही करवाना है, तो आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा माइनस आइटा, नीचे क्या हो जाएगा आइटा स्केयर, आइटा स्केयर फिर क्या हो जाएगा माइनस वन,
तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया? आयटा आंसर आ गया, खत्म। लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखो जी, फिर फोटो खींच लो, पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें आ रहा है फिर वही रियल वैल्यू पता करनी है आपको, लेकिन इसमें साइन सोइन आ रहा है भाई, साइन की कॉस्ट में देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन है, वन माइनस आयटा साइन अल्फा अपॉन वन प्लस टू आयटा इंटू साइन अल्फा, प्योरली रियल पार्ट पूछ रहा है भाई, प्योरली रियल पार्ट, तुमने रियल पार्ट निकालना भाई। रियल पार्ट का मतलब हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। लो जी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में क्या है भाई, प्लस है तो माइनस के साथ हो जाएगा भाई, ये वन माइनस टू आइटा इंटू साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, अभी जस्ट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम। नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सिंपल। नेक्स्ट देखो भाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, वन को वन से करोगे वन, वन को उसके साथ करोगे माइनस टू आयटा साइन अल्फा, इसको उसके साथ करोगे माइनस आयटा साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद आयटा स्केयर टू आयटा स्केयर, साथ में साइन स्केयर अल्फा, क्लियर, सिंपल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट नीचे वन, यहां पे टू टू द फोर, आयटा स्केयर इज माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, साथ में साइन स्केयर अल्फा, बस देखो डिनोमिनेटर में से आयटा खत्म हो गया, क्लियर। अब ऊपर का देखते हैं भाई, क्या है, वन माइनस टू, एक ये है ये रहा, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री आयटा साइन अल्फा, दो तो ये है एक ये है, तीन हो गए, यहां पे आयटा स्केयर क्या हो गया माइनस वन, तो यहां पे माइनस टू साइन स्केयर अल्फा अपॉन वन प्लस फोर, बस हो गया जी सॉल्व, कुछ नहीं करना। और अब रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, तो मैं पहले रियल पार्ट लिख रहा हूं, एक तो वन है एक ये है, माइनस टू साइन स्केयर अल्फा, इसके नीचे ये वाला डिनोमिनेटर जाएगा भाई, उसके बाद माइनस थ्री साइन अल्फा, साथ में आपका आयटा है, नीचे फिर ये वाला जाएगा वन प्लस फोर साइन स्केयर अल्फा। आपसे प्योरली रियल पार्ट पूछा गया था भाई, प्योरली रियल पार्ट, तो प्योरली रियल पार्ट क्या है, ये है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट विद माइनस साइन। इमेजिनरी में बस आयटा नहीं लिखना, बाकी सब लिखना होता है विद, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, साथ में साइन भी देना है, यानी इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करता, माइनस थ्री साइन अल्फा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्केयर अल्फा, क्लियर। सिर्फ आयटा नहीं लिखोगे आप इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन मेंशन जब करोगे तब ऐसे ही करना है, इमेजिनरी रियल पार्ट ये आपका सारा ही है, बस आपको रियल पार्ट इसमें पूछा गया है तो भाई रियल पार्ट का आंसर ये आ गया। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बताना है तो उसमें आप आयटा मेंशन नहीं करोगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ये साइन भी भूल जाओ, तब गड़बड़ हो जाएगी, आपको माइनस के साथ इसको मेंशन करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स प्लस आयटा वाई, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये सारा ब्रैकेट में हो गया, तो उसको माइनस के साथ मेंशन करना ही करना है, नेगेटिव आएगा ही आएगा, 101% आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कर लो जी नोट, फिर नेक्स्ट देखें। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, कौन सा है भाई, कौन सी प्रॉब्लम है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें।
स्टार्टिंग को स्टैंडर्ड। सेवंथ क्वेश्चन, टू मार्क्स का क्वेश्चन है भाई ये। एक तो कह रहा है कि ए स्केयर प्लस वन का होल स्केयर अपॉन टू ए माइनस आइटा इक्वल्स टू हैविंग एक्स प्लस आइटा वाई। तो कहता है इवेल्युएट करके बताओ या फाइंड करो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। बस अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तो रैशनलाइज कराएंगे, पहले स्केयर खोल दिए तो बढ़िया रहेगा। अगर रैशनलाइज करा लोगे तब भी ठीक है, स्केयर खोल दोगे तब भी ठीक है। तो ए की पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। नीचे है टू ए माइनस आयटा, इसको रैशनलाइज करा रहा हूं मैं, टू ए प्लस आयटा अपॉन टू ए प्लस आयटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई। क्लियर है? अब देखो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, ए की पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्केयर, और यहां पे टू ए प्लस आयटा। नीचे है बेटा फोर ए स्केयर आयटा स्केयर माइनस वन, वो प्लस वन बन जाएगा। आपका हो गया जी एक्स प्लस आयटा वाई। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी और कुछ नहीं है इसमें। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, टू टू द टू ए की पावर फाइव, उसके बाद प्लस इसको करवाया इसके साथ, फिर क्या आ जाएगा टू ए प्लस टू टू द फोर ए क्यूब। नेक्स्ट आयटा से करवाओगे ए की पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्केयर, बाहर में हर एक के साथ आयटा आएगा ही आएगा, और अपॉन ऐसा करो अलग अलग ले जाओ फोर ए स्केयर प्लस वन, और इधर ले जाओ फोर ए स्केयर प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। लो जी हो गया सिंपल। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये वाई है और ये एक्स है। इनकी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, स्केयर खोल लो, आंसर आ गया। क्लियर? अगर ये वन है तो ठीक, सिंपल। नेक्स्ट देखिए जी, एक क्वेश्चन है आपका, ये स्पेशली बेस्ड है आईसीएसई के, ध्यान में रखो प्लस वन आईसीएसई, वैसे किसी भी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है लेकिन ये आईसीएसई के लिए ज्यादातर है। फाइंड ए इंटू बी, पावर हंड्रेड देख के उलझ मत जाना, कोई चक्कर नहीं है, ब्रैकेट में उसको रैशनलाइज करवा लो बस, और कुछ नहीं करना। वन माइनस आइटा अपॉन वन प्लस आइटा, वन माइनस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा, उसकी पावर हंड्रेड, साथ में चल रहा है ए प्लस आइटा बी। क्लियर? ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला भाई नीचे मल्टीप्लाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आइटा स्केयर इज माइनस वन, तो प्लस वन रह जाएगा अभी, उसकी पावर है हंड्रेड ए प्लस आइटा बी। अब ऊपर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी अपॉन टू की पावर हंड्रेड ए प्लस आइटा बी। अब आइटा स्केयर इज माइनस वन, तो प्लस वन कट गया, ये बचा भाई आपका माइनस टू आइटा अपॉन टू, उसका पावर हंड्रेड इजिकल टू ए प्लस आइटा बी। टू से टू भी कट गया, माइनस आइटा की पावर हंड्रेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। लो जी ये माइनस वन है, यानी कि माइनस वन की पावर भी हंड्रेड और आइटा की पावर भी हंड्रेड इजिकल टू ए प्लस आइटा बी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको अलग अलग। अब वन की पावर हंड्रेड माइनस वन की पावर हंड्रेड क्या होगा? माइनस वन की पावर हंड्रेड क्या होगा भाई? माइनस वन की पावर हंड्रेड
वन की पावर तो जो मर्जी हो वन नहीं होएगा, लेकिन माइनस वन की पावर हंड्रेड इवन पावर है बेटा, माइनस खत्म हो जाएगा, ऑड पावर होगी तो वन आएगा, तो ये केवल वन रह गया। हंड्रेड इज एन इवन, इवन नंबर है ना हंड्रेड, तो क्या रह गया, आइटा की पावर हंड्रेड रह गया सिर्फ, इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी। हमने पढ़ रखा है आइटा स्केयर, इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तभी 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी। अब देखो इधर आइटा स्केयर इज माइनस वन, फिर माइनस वन की पावर अब क्या आ गया 50, क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर 50 क्या होएगा, 50 इवन है क्या ऑड है, इवन माइनस खा देगा तो वन रहेगा, वन इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी, खत्म। अब रियल पार्ट वन प्लस जीरो आइटा आ गया है, इक्वल्स टू ए प्लस, क्योंकि आइटा आया ही नहीं तो जीरो है, तो कंपेयर करूंगा अगर रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, तो ए वन है जो कि रियल पार्ट है, बी की है इमेजिनरी पार्ट जो की है जीरो, ठीक है। हमें पूछ कह रहा है ए टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए इज वन बी इज वन इंटू जीरो, जीरो जीरो आंसर आ गया, खत्म। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ आराम से। बहुत सारी असाइनमेंट डिफरेंशिएशन की तो मैंने बहुत सारी डाल रखी है, आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। लो जी नाइन्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को गौर से कर लो, अभी करवा रहा हूं मैं, नोट कर लो भी फटाफट। लो जी एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन पता करना भैया आपने। क्वेश्चन है वन प्लस आइटा की पावर एन अपॉन वन माइनस आइटा, सबकी पावर एन इक्वल्स टू वन, और आपको फाइंड करना है एन, एन की वैल्यू क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड करना है भाई एन। देखो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल रैशनलाइज करवा दो, और कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा, वन प्लस आइटा अपॉन वन प्लस आइटा, उसकी पावर एन इक्वल्स टू वन के बराबर। वन प्लस आइटा का स्केयर हो गया ऊपर, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आइटा स्केयर फिर माइनस वन होता भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो आपका, ऊपर ए स्केयर बी स्केयर प्लस टू ए बी अपॉन वन प्लस वन, आइटा स्केयर माइनस वन तो प्लस वन हो गया, आइटा स्केयर से ये वन कट गया, इक्वल्स टू वन रह गया। नेक्स्ट देखो टू आइटा अपॉन टू इनी पावर एन इक्वल्स टू वन के बराबर, टू से टू भी कैंसिल, अब आइटा की पावर एन इक्वल्स टू वन आ गया, क्लियर। अब हमें पता है वी नो दैट, थोड़ी इंग्लिश उंग्लिश मार दो भाई बीच में तो बढ़िया रहता है, आइटा स्केयर किसके बराबर होता जी, माइनस वन के बराबर, क्लियर। मुझे क्या चाहिए वन, माइनस कब खाएगा जब मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ऑन स्केयर बोथ साइड्स आइटा स्केयर का स्केयर इक्वल्स टू माइनस वन का स्केयर, तो आइटा की पावर यहां पे टू टू का फोर हो गया, यहां पे वन आ गया। देखो इस इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, ठीक है, तो मींस एन इज इक्वल टू फोर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस कल आपको मैं दे दूंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ।